जाते लोग हैं क्रॉस कर रहे हैं, पायलट जा रहा है, पायलट क्रॉस कर रहे हैं आपको। दोस्तों हम लोग हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, हीरो राजन कुमार के साथ हूँ, जो आज अपने होम टाउन मुंगेर बिहार में जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए। आइए आज हम उनसे बात करते हैं क्या उनकी योजना है। हेलो एवरीवन, हेलो मुंगेर, हेलो बिहार। छाता अभी से हैप्पी मानसून, बारिश आ रही है और मैं बारिश को बहुत पसंद करता हूँ, बारिश में बहुत मजा आता है, भीगना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। मुझे छाता बॉम्बे से ले जा रहा हूँ, वहाँ किसी एक दोस्त को गिफ्ट करूंगा मैं छाता की, हैप्पी मानसून बोल के मजा आने वाला है। और छाता रखूँ? हाँ छाता रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए। तो मुंगेर तो मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ, पापा के पास जा रहा हूँ, भैया के पास जा रहा हूँ। बहुत मजा आने वाला है इन छुट्टियों में, क्योंकि साथ में बारिश भी रहेगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम मुंगेर को तोहफा दें मुंगेर फिल्म फेस्टिवल के रूप में, क्योंकि मुंगेर में बहुत सारे फिल्म लवर्स हैं जिनको फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो ऐसे में हम फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करना चाहेंगे, लोग अच्छी फिल्में देखें, स्वस्थ फिल्में देखें, वहाँ की बनी हुई फिल्म देखें, क्योंकि मुंगेर कई फिल्मों का निर्माण स्थल रहा है। पिछले ही दिनों हमारी फिल्म बनी थी लोग सुपर सुपर हिट रही शहर मसीहा नहीं, शहर मसीहा नहीं को अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पर, ये रिकॉर्ड है अपने आप में बहुत कम समय में। तो ऐसे में और भी फिल्में हमने की थी वहाँ मुंगेर में, तो एक फेस्टिवल के रूप में हम लोगों को दिखाएं वहाँ, ये कोशिश रहेगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो फिल्म है आपकी शहर मसीहा नहीं, अभी मुंबई वासी इस फिल्म को कब देख पाएंगे? मुंबई वासी ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसी साल वो पिक्चर हॉल में भी देखेंगे इस फिल्म। अच्छा अच्छा, ओके। और ये जो फिल्म फेस्टिवल आपका है, ये हर साल होगा? ये हर साल होगा, इस साल शुरुआत होने जा रही है। और इस फिल्म फेस्टिवल में बिहार में बनी हुई, खासकर मुंगेर में बनी हुई फिल्मों फिल्म को दिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल है तो मुंगेर में या आसपास जो बनती है फिल्में और जो जुड़े हुए लोग वहाँ के हैं उनके लिए तो जरिए, ये तो बड़ा अच्छा योजना है, इससे मेरे ख्याल से मुंगेर सिनेमा को प्रोत्साहन मिलेगा, हाइट मिलेगी, अपग्रेडेशन मिलेगा। और लोगों को हमारी कोशिश रहती है स्वस्थ मनोरंजन, वहाँ के लोगों को मनोरंजन के थ्रू हम चाहेंगे कि वो अपने आप को एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ता हुआ पाए और मजा आए। तो दोस्तों राजन कुमार ये रियल हीरो हैं और इनके अंदर ऐसी वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज, देश से देशभक्ति की भावना इतनी रहती है, और ये भले ही मुंबई आ गए लेकिन आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। राजन जी, ये मतलब आप जहाँ भी रहेंगे अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे। भारत आज भी गांव में बसता है और मेरा दिल तो, मैं वहीं पला बढ़ा हूँ, मेरा दिल जो है वो बिल्कुल शहर में रहकर भी गांव वाला है, इसलिए हमारे लिए हमारे अंदर सहनशीलता, दया, दया की बातें बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमैनिटी की बातें होती, तो इसलिए कोशिश है कि हम अपने शहर से जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ लोग बहुत प्यार करते। मेरे ख्याल से आपकी जो फिल्म है शहर मसीहा नहीं, उसकी जो कहानी है उसमें भी कहीं ना कहीं शहर मसीहा नहीं की कहानी शुरुआत ही मुंगेर से होती है, मुंगेर से होती है, मुंगेर के हीरो की कहानी है ये, जो साबित करता है कि मुंगेर के लोग बहुत मेहनती हैं, बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं और मेहनत से वो अपना नाम चाहते हैं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो और जल्दी आप वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।